हाय देयर, ये MGT 503 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेसन नंबर 24 है, जिसके अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सेटिंग गोल्स। सो गोल्स जब सेट किए जाते हैं, सो गोल्स जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, इनके स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स का गोल होता है कि उन्होंने एक डिग्री कंप्लीट करनी है, BBA करना है, MBA करना है, BCom करना है, और मेजरेबल होना चाहिए, जैसे कि 50 क्रेडिट आवर्स अर्न करने हैं 2 ईयर्स के अंदर। सो मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेजर किया जा सके, अटेनेबल गोल हो, ऐसा ना हो कि इम्पॉसिबल हो, जैसे कि 4 ईयर्स की डिग्री को 2 ईयर्स में कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी की जा सके, अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। और उसके अलावा रियलिस्टिक होना चाहिए, एक्सेप्ट की जाए रियलिटी को, और टाइमली बाउंड, टाइम होता है एक। उसके बाद है फिर डेवलपिंग कमिटमेंट टू गोल्स, सो द डिटर्मिनेशन टू अचीव गोल इंक्रीज बाय, इसके अंदर इजाफा होता है किससे, गोल को जब सेट किया जाता है पार्टिसिपेशन के ज़रिए, और गोल्स को रीजनेबल बनाया जाता है, और गोल मेकिंग गोल पब्लिक, यानी कि लोगों को पता चले गोल के बारे में, जैसे कि पेरेंट्स को और फ्रेंड्स को पता चले आपके गोल के बारे में, आपका जो डिग्री कंप्लीट करने का गोल है, ताकि उससे आपको एक तरह से सपोर्ट मिल सके। और इसके अलावा ऑप्टेनिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट से मुराद ये कि अपने ऊपर के किसी शख्स की सपोर्ट लेना, जैसे कि बॉस की सपोर्ट। उसके बाद है लिंकिंग गोल्स एंड प्लान, सो लेवल्स जो हैं गोल के, उसमें 3 लेवल्स हैं, ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटजिक। और टाइम ऑफ स्पैन जो है गोल का और प्लान का, वो शॉर्ट जो होता है, ऑपरेशनल होता है जो वो शॉर्ट होता है, टैक्टिकल गोल जो है वो इंटरमीडिएट होता है, लॉन्ग रेंज होता है, स्ट्रेटजिक। सो कैसे एक प्लान बनाया जाए जो कि काम करे, सबसे पहले गोल्स को सेट किया जाए और डेवलप की जाए कमिटमेंट, क्योंकि कमिटमेंट के बगैर चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, और कमिटमेंट के बाद शो किया जाए एक्शन को, डेवलप किया जाए इफेक्टिव एक्शन प्लान को, और उसके बाद फिर ट्रैक किया जाए प्रोग्रेस को कि क्या गोल अचीव हुआ या नहीं हुआ। सो डेवलपिंग इफेक्टिव एक्शन प्लान, इसके अंदर स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, जनरल स्टेप नहीं बल्कि स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, और लोग हैं, अगर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के हिसाब से ये देखा जाएगा कि पीपल के अंदर ये देखा जाएगा, लोगों के अंदर के टीचर्स कौन हैं, और इसके अलावा रिसोर्सेज हैं, और टाइम पीरियड, यानी कि अब जैसे कि स्टूडेंट की ही हम बात करें तो डिग्री को कम्प्लीशन का जो टाइम पीरियड है, डिग्री कम्प्लीशन का टाइम पीरियड वो कितना है, 2 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, 3 ईयर्स है। उसके बाद है स्टार्टिंग एट द टॉप, सो स्ट्रेटजिक प्लान्स होते हैं, सो क्लेरिफाई करना कि कैसे कंपनी जो है वो सर्व करेगी अपने कस्टमर को, और उसकी जो पोजीशन है अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में। और उसके बाद है फिर विजन, विजन जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिस्क्राइब करता है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद रखती है फ्यूचर में बनने की। और उसके बाद है फिर मिशन, मिशन क्या है, मिशन जो है वो कोर पर्पस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। सो विजन जो है वो होप है कि क्या होप है ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर में बनने की, और मिशन जो होता है वो कोर पर्पस होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का। उसके बाद है फिर कॉर्पोरेट्स मिशन, सो टू प्रोवाइड, जो कॉर्पोरेट मिशन होता है, कॉर्पोरेशन मिशन एक्चुअली, प्रोवाइड करना सोसाइटी को सुपीरियर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, डेवलप करते हुए इनोवेशन और सॉल्यूशन जो इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेटिस्फाई करे कस्टमर नीड्स को, एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉई विद मीनिंगफुल वर्क एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉइज को भी एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, एक तरफ तो कस्टमर को प्रोवाइड की जाए सुपीरियर प्रोडक्ट्स और सर्विस, और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज को एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, और इन्वेस्टर को सुपीरियर रेट ऑफ रिटर्न। सो नाउ द पेंडिंग इन द मिडिल टैक्टिकल प्लान, सो टैक्टिकल प्लान जो होता है ये मिडिल में, मिडिल का प्लान है, मिडिल सबसे छोटा जो प्लान है वो ऑपरेशनल है, उसके बाद टैक्टिकल आता है, और सबसे बड़ा प्लान स्ट्रेटेजिक होता है। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक अच्छा मैकेनिज्म है टैक्टिकल गोल और प्लान के लिए। एंड फिनिश एट द बॉटम, सो ऑपरेशनल प्लान जो है वो डे टू डे प्लान है, सबसे छोटा जो प्लान है, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक, फिर टैक्टिकल, और सबसे छोटा ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। सो उसके बाद प्लानिंग के अंदर सिंगल यूज प्लान होता है जो कि वन टाइम सिचुएशन में होता है बिजनेस में, स्टैंडिंग प्लान होता है जो कि यूज़ किया जाता है जिसको कई बार, और पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स होते हैं। सो सिंगल यूज़ प्लान जो कि कवर करता है सिर्फ यूनिक वन टाइम
ऑन द इवेंट, जैसे कि आपको बताया गया सिर्फ वन टाइम सिचुएशन के अंदर बिजनेस में, और स्टैंडिंग प्लान होता है जो कि कई बार इस्तेमाल होता है, जैसे कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके अलावा बजटिंग होती है जिसके जरिए ऐसा प्लान बनाया जाता है जो कि स्पेंड के बारे में, मनी स्पेंडिंग के बारे में, जो पैसे की स्पेंडिंग है उसके बारे में, किस तरीके से एलोकेट किया जाए पैसे को ताकि पूरे किए जा सके कंपनी के गोल। सो स्पेशल पर्पस प्लान, इसके अंदर चेंज है, यू कैन चेंज देम, और कॉन्टिंजेंसी, अगर कॉन्टिंजेंसी हुई तो हम ये प्लान यूज़ करेंगे। और इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्पेशल पर्पस प्लान को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अब है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको MBO कहा जाता है। ये जो पर्सनल मैनेजमेंट टेक्निक है, जहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉयर्स मिल के काम करते हैं सेट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए गोल को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बारे में स्टेप्स इन द MBO प्रोसेस, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या स्टेप्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले डेवलप किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को, इस्टेब्लिश किया जाता है स्पेसिफिक गोल्स डिपार्टमेंट्स के लिए, डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिक गोल्स, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए स्पेसिफिक जनरलाइज गोल होते हैं एक तरफ तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के लिए स्पेसिफिक गोल। एक्शन प्लान बनाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर और मेंटेन किया जाता है सेल्फ कंट्रोल, और उसके बाद फिर रिव्यू किया जाता है प्रोग्रेस को, और अप्रेस परफॉर्मेंस होती है, इनकी इवेल्यूएशन होती है, असेसमेंट होती है। सो स्ट्रेंथ्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेंथ, ये लिंक करता है गोल और प्लान को, और क्लेरिफाई करता है प्रायोरिटीज को और एक्सपेक्टेशंस को, और एनकरेज करता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को, प्रमोट करता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को, इसके अलावा हर किसी को मोटिवेट रखने में मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसकी वीकनेसेस ये हैं कि इसके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूरी है, और मैनेजर की जो ट्रेनिंग है वो भी ज़रूरी है, और इसको मिसयूज़ किया जा सकता है, और इसके अंदर रिस्क है क्वांटिफिकेशन का, यानी कि क्वांटिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाए, क्वालिटी के ऊपर ना हो, जबकि क्वांटिफिकेशन के साथ साथ क्वालिटी भी ज़रूरी है। तो ये हुआ लेसन नंबर 24। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए, और ये स्लाइड भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।